और निहंगों ने जो एक इसको इतनी बुरी तरीके से हाथ काट के लटका दिया, उस पर क्या बोल रहे हैं? राकेश डकैत को जब भीड़ दिखानी थी तो वो नाचने वाले से लेकर मुजरा करने वाले, जो है सर में मैला ढोने वाले से लेकर मियां खलीफा से लेकर ग्रेटा थनबर्ग, उसका बस चलता तो वो सनी लियोनी को भी स्टेज पे किसान बना के बिठा देता, तो तब तो वो सबको ले आया। अब आज जब निहंगों का जो केस हुआ है, वहां पर जो है बताया जा रहा है कि एक दलित को जो है कितने बर्बरता से मार दिया गया। देखिए, पहली बात तो ये किसानों का आंदोलन है, इसमें पहली बात तो कोई धार्मिक एंगल आना ही नहीं चाहिए था। अगर इसमें जो है कोई बेअदबी हुई है तो उसमें कानूनी रूप से जो है इसकी कार्रवाई होनी चाहिए थी। मुझे तो नहीं लगता कि इस देश के अंदर कोई भी कानूनी व्यवस्था के अंदर किसी भी धर्म या संप्रदाय के मानने वाले को कोई कानून ऐसी आज़ादी देता है कि आप जो है किसी को मार दें, काट दें। आप लखीमपुर चले गए, लखीमपुर में वहाँ एक नेता के कॉन्वॉय के ऊपर अटैक हुआ, गाड़ी अनियंत्रित हुई, भीड़ में 2-3 लोग मर गए। उसके बाद उस भीड़, गुस्साई भीड़ ने वहाँ पे जो है 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। देश के अंदर बहुत बड़ी राजनीति हुई, बड़े बड़े दलित नेता पहुँचे, कांग्रेस के राज्यों के मुख्यमंत्री पहुँचे और वहाँ 50-50 लाख रुपये दिए। आज इसी राकेश टिकैत के आंदोलन में एक बहन का बलात्कार हुआ, एक किसान को जला दिया गया और आज एक दलित को जो है हाथ पैर काट कर एक बर्बरता पूर्वक शर्मनाक कायराना हरकत की गई। आज ना सोनिया गांधी 1 रुपये देने पहुंची है, ना सोनिया गांधी के ये जो चेले हैं जो आज वहाँ 50-50 लाख बांट रहे थे वो देने पहुंचे। अभी सोचिए लखीमपुर में हुआ, अभी छत्तीसगढ़ के अंदर जो है ये दुर्गा पूजा की एक यात्रा निकल रही थी, वहाँ एक अनियंत्रित भीड़ ने 20 लोगों को कुचल दिया। वहाँ का बेशर्म मुख्यमंत्री 24 घंटे तक वहाँ जो है हाल पूछने नहीं गया। तो ये एक जो सिलेक्टिव आउटरेज है, जो ये सिलेक्टिव दलितों का सखा बनने के, अब सोचिए वो एक नया कार्टून मुख्यमंत्री बनाया पंजाब में, वो एक हफ्ते तक सोनिया गांधी के पीछे खड़ा था। जी बहुत बढ़िया करें, अरे भाई चन्नी जी वो आदमी मुख्यमंत्री बना है। भाई तुम्हारी जिम्मेवारी ये है कि प्रदेश में चुनाव है, अपनी प्रदेश को संभालो। उस वहाँ की पार्टी का अध्यक्ष सिद्धू जो ठोको ताली करता है, वो चन्नी से लेकर पूरा कैबिनेट लखीमपुर में पहुँचा और कह रहा बहुत बढ़िया कर रही है बहन जी, बहुत बढ़िया। जैसे अभी प्रियंका वाड्रा अभी बनेगी मुख्यमंत्री, अरे भैया तुम्हारे राज्य में वहाँ मौतें हो रही हैं, राजस्थान में 3-3 साल की बच्चियों का रेप हो रहा है, हैवानियत हो रही है, राजस्थान में दलितों को पीट पीट कर मार दिया जा रहा है, जला दिया जा रहा है, कांग्रेस की सरकार है। कोई मीडिया का मुजरा करने वाला, चाहे आज तक हो चाहे NDTV हो, वो मुँह नहीं खोलेगा। परंतु उत्तर प्रदेश में किसी दलित को दस्त लग जाए, किसी मुसलमान को मरोड़ उठ जाए तो सोनिया गांधी से लेकर उसका पूरा परिवार पहुंच जाएगा। सर ये मीडिया से एक क्वेश्चन है, जो ये लेफ्ट लिबरल्स, सोकल लेफ्ट लिबरल्स जो हैं, रबीश कुमार, बरखा दत्त, अरफा शेरवानी, इन किसी का भी इस पे बयान नहीं आया जो दलित युवा को मार दिया गया है? नहीं आएगा, क्योंकि देखिए सबसे पहले देखते हैं कि मारने वाला कौन है। अगर मारने वाला इनके शांतिप्रिय समुदाय से होगा तो ये गांधी जी के 3 बंदर बन जाएंगे, ना इनने कुछ देखा, ना इन्होंने सुना, ना इनने कुछ बोलना है। जैसे ही अगर मुंबई की किसी पॉश कॉलोनी में किसी मुस्लिम महिला को किराए पे मकान नहीं मिलेगा, वो देश की हेडलाइंस हो जाएगी, BBC भी कवर करेगा, क्विंट प्रिंट पिंट पता नहीं क्या क्या बना रखे इन लोगों ने, जो जिनकी फंडिंग विदेशों से होती है वो सब करेंगे, जैसे वही देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। परंतु आज इतनी बड़ी खबर हो गई, इतनी शर्मनाक खबर हो गई, मुख्यमंत्री पंजाब का मुख्यमंत्री नहीं बोल रहा है। क्यों? क्योंकि उसको अभी वोटों की फसल काटनी है। नियंगों के खिलाफ बोल के तो देखे, अभी पिछले साल भी आपने देखा होगा कि एक पुलिस वाले का हाथ काट दिया गया था। तो मुझे तो नहीं लगता कि किसी भी धर्म के अंदर एक ऐसी जितना धर्म को मैंने पढ़ा है, मैं तो अपने हिंदू धर्म की बात कर सकता हूं, परंतु मैंने तो और धर्म वाले देखे हैं जो अपने धर्म का जय जयकार करते हुए लोगों के गले भी। सिख धर्म तो सर वैसे भी बलिदान के लिए मशहूर रहा है। नहीं, बलिदान के लिए मशहूर रहा है, पर आप गला तो किसी का नहीं काट सकते ना। अगर बेअदबी हुई, आप सोचिए कांग्रेस की सरकार पंजाब के अंदर पिछले 4.5 सालों से है और गुरु ग्रंथ साहब के बेअदबी के तमाम मुद्दे वहां पर चल रहे थे, वहां तक आज तक कोई नहीं बोला। आज देखिए, जहाँ मर्दानगी दिखाने की बात है, आज अफगानिस्तान के ऊपर तालिबान का वो हुआ, सरकार गई वहाँ पे, वहाँ से सरकार जो है सभी सिखों को जो है सम्मान पूर्वक लेके आई, चाहे गुरु ग्रंथ साहब को लेके आना हो। तो देश की सरकार जो है एक हित में काम कर रही है और जिस कानून के लिए लड़ाई हो रही है, आज बड़े आराम से जो है राकेश टिकैत और चढ़ूनी ने बोल दिया कि ये नियंग हमारे साथ नहीं है। आप सोचिए, भीड़ बढ़ाने के लिए तो नियंग चाहिए थे,
और आज जब जब कानून की चपेट में आ रहे हैं तो अब निहंग उनके साथ योगेंद्र यादव बहुत बड़े नेता बन रहे हैं। बिल्कुल, तो आज इन लोगों की जो है मौलिक जिम्मेवारी फिक्स करने की जरूरत है कि इन निहंगों को लाया कौन और जो ये हत्या हुई है इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, क्योंकि आज जो है आप धर्म के आड़ पर देश के अंदर इस प्रकार का जो है एक भय पैदा करने वाला माहौल नहीं बनाएंगे। और आप सिलेक्टिव तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्यों? मतलब जहां आपका बस चल रहा है आप देश के अंदर लोगों को डराने के लिए, अरे आपने बॉर्डर के बॉर्डर 15-15 किलोमीटर तक कब्जा करके रखे हुए हैं, वहां झोपड़ियां बना रखे, एसी चल रहा है, एलईडी टीवी चल रहा है, वहां बादाम बट रहे हैं, रात को दारू पी जा रही है, डीजे लगा के नाचा जा रहा है, आम आदमी वहां से निकल नहीं सकता। देश के अंदर, देश की राजधानी में 1,00,000 करोड़ से अधिक का जो है घाटा हो चुका है, तमाम हजारों के फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, हजारों लाखों लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं, बहादुरगढ़ से लेकर इस पूरे एरिया में जो है हजारों यूनिट्स फैक्ट्रियां बंद। सर अभी रेल रोको आंदोलन भी किया इन्होंने हाल ही में, आप सोचिए ये लोग करना क्या चाहते हैं। आज एक बहुत बड़ी जो है वो है महिला है, नाम है उनका सुहासिनी हैदर, वो जो है सुब्रमण्यम स्वामी जी की बेटी हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा ट्वीट किया है, उन्होंने बोला है कि जो है यहाँ पर इकोनॉमिकल टेररिज्म हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि फैब इंडिया वालों ने एक जो है ट्वीट किया तो उसके ऊपर जो है फैब इंडिया को अपना ट्वीट जो है विड्रॉ करना पड़ा, और वो हवाला दे रही है कि तनिष्क का एक ऐड आया था तो उसका आउटरेज। अरे भैया, जब पंजाब के अंदर जियो के टावर उखाड़े जा रहे थे तो इन मोहतरमा को जो है इकोनॉमिकल टेररिज्म नहीं दिखाई दे रहा था, आज देश के अंदर रेल रोकी जा रही है, इन मोहतरमा को जो है ये इस प्रकार का टेररिज्म नहीं दिखाई देता है। परंतु आज सेक्युलरिज्म की आड़ में आज ये बड़े बड़े चैनल वाले, बड़े बड़े ये ब्रांड वाले लोग आज हम लोगों को जो है एक एजेंडा परोसते हैं। अभी आपने देखा होगा सर्फ एक्सल वाले की एक ऐड आई थी, अरे भाई ईद पे भी दिखाना दाग अच्छे होते हैं, होली पे तो दिखा दिया, होली पे कहेंगे कि जी आपको रंग नहीं लगाना, शिवरात्रि पे कहेंगे कि भैया आपको दूध नहीं चढ़ाना, जरा ईद पे भी दिखा कि बकरा, दिवाली पे कहेंगे आपको पटाखे नहीं फोड़, दिवाली पे कहेंगे पटाखा नहीं जलाना, रे भाई किसी औरों पे भी दिखा दो, क्रिसमस पे भी दिखा दो, न्यू ईयर पे भी दिखा दो, ईद पे भी दिखा दो, वहां ये पेटा से लेकर लपेटा वाले सारे लोग चुप हो जाएंगे। परंतु इनको सारा ज्ञान कहाँ पे आता है? हिंदुओं के त्योहारों पे आता है, हिंदुत्व के ऊपर आता है, और जो इस देश का सहिष्णु हिंदू है, सनातनी है, उसके ऊपर आता है। तो आज एक जागरूकता होनी ज़रूरत है कि ये पहली बात तो किसानों का आंदोलन है ही नहीं, किसानों का आंदोलन यूँ नहीं है क्योंकि ये किसानों का आंदोलन, सबसे पहली बात, ये उन खालिस्तान के एजेंडे चलाने वाले लोगों का आंदोलन है, और अगर वहाँ पे कुछ किसान हैं भी तो वो किसान बरगला कर लाए गए हैं। क्योंकि आज देश के अंदर आप देखिए जब जो कानून, जिसको काला कानून बताया जा रहा है, अरे कोई राकेश टिकैत से पूछे, योगेंद्र यादव से पूछे, रज्जोवाल से पूछे, चढ़ूनी से पूछे, उससे पूछे तो सही इसमें काला है क्या, आओ डिस्कस करते हैं। आप सोचिए पराकाष्ठा देखिए, ये लोग बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, राकेश टिकैत का भाई अभी एक स्टिंग ऑपरेशन में पकड़ा गया है, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रहा है वो आदमी, जो आदमी 350 रुपये क्विंटल जो है गेहूं के रेट के लिए वहाँ पे मुहर्रम मचा रहा है बॉर्डरों पर बैठकर, वो 250 रुपये में किसान, इनके यमुना एक्सप्रेस पे बड़े बड़े होटल चलते हैं। आपको बता रहा हूँ ना, मैं वहीं पे आ रहा हूँ, जो एक सबसे बड़ा जो दोहरा चरित्र है, जो सबसे बड़ा जो है इस पूरे लड़ाई में है, वो शरद पवार। आप सोचिए शरद पवार इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और इन तीन किसानों के जो है बिल के ऊपर लड़ाई कर रहा है, और उन्हीं के भतीजे फैक्ट्री चलाते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, जिसका नाम है बारामती एग्रो, और ये महाशय खुद किसान कृषि मंत्री रहे इस देश में, और इन्होंने ही इस बिल को जो है ड्राफ्ट करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मतलब इनके बच्चे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चलाएं, इनके परिवार वाले लोग करोड़ों रुपए की किसानी, मतलब किसानी से आए दिखाएं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाके क्या बोलते हैं, जी हमने तो जो गमलों में जो है गोभी उगाई थी, कोई पी चिदम्बरम कह रहे हैं जी हमने तो अपने जो है छत के ऊपर जो है बैंगन उगाए थे और करोड़ों रुपए की हमारी संपत्ति। अरे भाई कांग्रेस वाले भले मानुसो, मेरे देश के किसानों को भी बता दो कि अपने जो है घर के गमलों में बैंगन उगाकर और गोभी उगाकर कैसे करोड़ों रुपए की जो है आय अर्जन की जा सकती है। तो आज जो लोग जो है इन कानूनों के शह में करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं, आज वही लोग इस देश के किसानों को सड़कों पर मरने के लिए छोड़ रहे हैं, और इनका कोई भी एजेंडा नहीं, इनका सिर्फ एक सूत्री एजेंडा है कि कैसे देश के अंदर आग लगाई जाए, इसके अलावा कोई एजेंडा नहीं है। आप सोचिए राकेश टिकैत जहां आंदोलन कर रहा है वहां बंगाल से लाई हुई एक बहन का बलात्कार होता है, राकेश टिकैत की जिम्मेवारी होती है कि नहीं होती है, आप बताइए। आज राकेश टिकैत कहता है कि किसानों अपनी खेतों में फसल जला दो, और वही राकेश डकैत अपनी अरब लाखों रुपए की जो है फसल जो है वहां शुगर मिलों में बेच रहा है। आज
इसी किसान आंदोलन के टेंट के अंदर जो है एक दलित को मार दिया जाता है, वो चन्नी वहां जाकर अपने रिश्तेदारों को 50-50 लाख के चेक बांट रहा है, पर यहां पर जो है एक रुपए भी देने नहीं आ रहा। तो ये दोहरा चरित्र जो है देश के लोगों के सामने एक्सपोज होना जरूरी है। सर, ये जो आम अपने इस तमाशे के चक्कर में जो आम लोगों को पीस रहे हैं, एक साल से दिल्ली को जो गिरफ्त कर रखा है, इस पे क्या बोलेंगे? एक साल से मैं तो आपको बता रहा हूँ कि ये अब से नहीं है। आम लोगों को क्यों पीस रहे हैं इसमें? यही तो इनकी राजनीति है। ये लोग दिखाना चाहेंगे कि सरकार हर मोर्चे पर फेल है। आप बताइए, विपक्ष ने क्या पिछले 7 साल में एक भी कंस्ट्रक्टिव काम किया हो? तो ये जो कृषि कानून आज भारत सरकार लेके आई, ये कृषि कानून लाया कौन था? इसको टेबल 2014 से पहले लोकसभा में किसने किया था? इसी कांग्रेस की सरकार ने किया था। इसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? इसी शरद पवार की थी। और ये लोग किस मुंह से आज इसका विरोध करते हैं? आज ये देश की जनता को सवाल पूछना आवश्यक है। धन्यवाद सर।